हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा? पढ़ाई वढ़ाई सब मस्त अंदाज में चल रही होगी बेटा। तो बच्चों, हम लोग कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के अगले वीडियो पर बेटा आ चुके हैं। सारे वीडियो का बेटा लिंक दिया गया है, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया, उसको जा करके पढ़ लीजिए। और बहुत से टॉपिक भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं, या टॉपिक के नाम से और बाय HD मैथमेटिक्स लिख करके सर्च करके भी देख सकते हैं। देखो बच्चों, आज हम लोग कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में एक और नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा हो। देखो मैं तुमको बताता हूं, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि मान लीजिए हमें इस प्रकार का फंक्शनल दिया जाए, एक्स हो, वाई हो और वाई डैश हो। तो उसके लिए मैंने आपको यूलर इक्वेशन बताई थी, आपको मालूम है। फिर मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए इसी में जो हमारा फंक्शनल है, देखो तो आई को फंक्शनल कहते हैं, ये अगर हमारा इस टाइप का है जिसमें एक्स हो, वाई डैश हो, वाई डबल डैश हो या ट्रिपल डैश या कुछ भी हो सकता है। तो मतलब यहां पर क्या था, देखो इसमें क्या होता है, जो वाई होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स क्या होता है, एक्स होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखो हर प्रकार की चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, जैसे यहां पर खाली x था, y था, y डैश था, इसमें खाली x था, y था, लेकिन y के हायर ऑर्डर भी थे। तो मैंने बताया था इसी में थोड़ा सा चेंज करके हमें एक नई इक्वेशन मिल जाती, इसी वाली में यूलर्स इक्वेशन में चेंज करके हमको एक नई इक्वेशन मिल जाती है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, पिछले वीडियोज में आप देखोगे तो आपको सब जगह ये बातें मिल जाएंगी, है ना। इसी में चेंज करके हमको एक नई इक्वेशन यहां से मिल जाती है। अब देखो, अब मतलब यहां पर क्या था कि एक ही इंडिपेंडेंट और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल था इन दोनों में ही, इसमें भी एक एक्स है, एक वाई है। हाँ, वाई के डेरिवेटिव ज्यादा ऑर्डर के हैं, है ना भाई। एक एक्स एक वाई यहां पर था, यहां पर वाई डैश था, यहां पर वाई डैश, वाई डबल डैश, ट्रिपल डैश ज्यादा ऑर्डर के हैं। अब आप देखो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो ज्यादा हो, मतलब ऐसा फंक्शनल जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी ज्यादा हो, है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल भी ज्यादा होंगे, मतलब फंक्शनल जो होगा, जो हमारा फंक्शनल होगा, ठीक है, इसमें सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। ये बात जरा बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, मतलब जैसे अभी तक यहाँ पर केवल एक वाई था, अब जैसे यहाँ वाई जेड हो सकता, वाई जेड यू हो सकता, वाई जेड टी हो सकता है। अब इसमें देखो क्या होता है कि जैसे मान लो हमें फंक्शनल ऐसे दिया गया, हमें दिया गया एक्स नॉट से एक्स वन और एफ एक्स, मान लीजिए वाई वन, मतलब देखो एक डिपेंडेंट वेरिएबल वाई वन है और उसका भी डिफरेंसिएशन है, और वाई टू है उसका भी डिफरेंसिएशन है, ये बात ध्यान रखना। मतलब देखो ये सारे टर्म हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इनमें से हो सकते हैं, जैसे एक्स तो होगा ही होगा, हो सकता है एक्स ना भी हो, लेकिन बोला जाता है कि इन चीजों का फंक्शन वो होगा। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको ये सारी चीजें दिखाई दें। हाँ, वाई वन दिखेगा, वाई वन डैश दिख सकता है, वाई टू। अब देखो यहां पर वाई वन वाई टू दो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई वन वाई टू क्या है, यहां पर टू डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, तीन भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, वाई वन वाई टू वाई थ्री भी हो सकते हैं। आगे चल के हम लोग ऐसा भी केस पढ़ेंगे जहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक्स भी ज्यादा हो सकते हैं, है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें देखो अकेला वाई था, यहां पर वाई के ज्यादा ऑर्डर थे, यहां पर क्या है, वाई की जगह ही दो दो चीजें आ गई, जो वाई है उसकी को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो यहां पर y की जगह ही दो दो चीजें आ गई, y1 y2, और उनके डेरिवेटिव भी देखो यहां पर आ गए। देखो अब इसके लिए जो हम नेसेसरी कंडीशन लिखते हैं वो बड़ी आसान होती है। देखो इसके लिए हम जो नेसेसरी कंडीशन लिखते हैं इसको कहते हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सट्रीमल। ये बता चुका हूं मैं कई बार आपको कि भाई एक्सट्रीमल, एक्सट्रीमल का मतलब क्या हुआ, जैसे यहां पर हम लोग कहते थे कि भाई ये हमारी कंडीशन है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस डी वाई डी एक्स, सॉरी डेल एफ अपॉन डेल वाई और माइनस डेल एफ अपॉन
डेल वाई डैश बराबर जीरो, ऐसे करके हम लोग लिखते थे, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या होता था, इस कंडीशन की हेल्प से हमको वाई मिलता था, वाई को ही हम एक्सट्रीमल कहते थे, है ना। तो मतलब जो वाई मिलता था उस वाई पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती थी। अब यहां पर चूंकि दो दो चीजें हैं तो हमें दो दो चीजें निकालनी होंगी, जैसे यहां पर हम वाई निकाला करते थे, यहां पर हम वाई वन वाई टू दो दो चीजें निकालनी होंगी। और हाँ, कंडीशन देखो ऐसे ही लिखनी है, एक बार यही चीज वाई वन के लिए लिखनी है, एक बार यही कंडीशन हमको वाई वन के लिए लिखनी है, देखो ठीक है, डेल वाई वन डैश बराबर जीरो, और एक बार यही कंडीशन हमको वाई टू के लिए लिखनी है, डेल एफ अपॉन डेल वाई टू माइनस डी वाई डी एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई टू डैश बराबर जीरो, है ना, दिख रहा है ना। हाँ दिख रहा है, तो यही कंडीशन है, बस एक बार इसमें y की जगह y1 लेना है और एक बार y की जगह y2 लेना है, है ना। डेल y1 डैश का मतलब y1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, है ना। डेल y2 डैश का मतलब y2 का डिफरेंशिएशन, भाई y1 डैश का मतलब जहां पर भी y1 डैश आ रहा है इसका मतलब dy1 अपॉन dx, और y2 डैश आ रहा है इसका मतलब dy2 अपॉन dx। तो ये हमें दो कंडीशन यहां पर मिलेगी, क्योंकि यहां पर वेरिएबल भी दो है ना, इसीलिए ठीक है ना, दो कंडीशन इसलिए मिल रही है क्योंकि यहां पर बच्चों वेरिएबल भी दो हैं, ये बात जरा यहां पर ध्यान दीजिए, दो कंडीशन इसलिए क्योंकि यहां वेरिएबल भी दो है। अगर वेरिएबल में तीन कर दूं तो ऐसे ही तीन कंडीशन हो जाएंगी, चार कर दूंगा तो ऐसे ही चार कंडीशन हो जाएंगी, मतलब हर वेरिएबल के लिए हमें यहां पर कंडीशन लिखनी होगी। जैसे कि मान लो, मतलब ये इसी सब चीजें निकलती हैं, जब ज्यादा ऑर्डर हो जाते हैं तो मैंने क्या बताया था, ज्यादा ऑर्डर में क्या होता है, ये डी वाई डी एक्स हो जाता है, फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश हो जाता है, फिर यहाँ प्लस हो जाता है, डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाता है, डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश हो जाता है, ऐसे करके, है ना, ये बताया था मैंने आपको। तो जैसे मान लीजिए यहां पर दो दो डिपेंडेंट वेरिएबल है y1 y2, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा हो जाए y1 y2 y3 हो जाए तो यही कंडीशन आपको तीन बार लिखनी पड़ेगी और कुछ नहीं, है ना, यही कंडीशन आपको हर वेरिएबल के लिए लिखनी पड़ती है। जैसे कि मान लो अगर हमारा i ये हो जाए x0 से लेकर के x1 फंक्शन ऑफ x y1 y1 dash, y2, y2 dash, y3 dash और dx। तो देखो इसके लिए जो हम necessary condition लिखते हैं, एक तो देखो y1 के लिए लिखनी पड़ेगी minus dy dx of del f upon del y1 dash बराबर जीरो, फिर एक लिखनी पड़ेगी y2 के लिए, ठीक है, minus dy dx of डेल एफ अपॉन डेल वाई टू डैश बराबर जीरो, फिर एक लिखनी पड़ेगी वाई थ्री के लिए। तो बस ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, कंडीशन को याद रखना यहाँ पर बहुत इजी होता है ना, इस तरीके से चार वेरिएबल हो जाएंगे तो यही हमें चार कंडीशन लिखनी पड़ती है और कुछ नहीं, सब इजी है काफी। और उसके बाद क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमें जब दो वेरिएबल होते हैं तो वाई वन वाई टू दोनों की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि दोनों की अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, दोनों से y1 y2 निकल आता है। तीन वेरिएबल होंगे तो y1 y2 y3 तीन की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि सबकी अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी और उससे हर एक टर्म अलग अलग सॉल्व होकर के निकल आएगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का भी लिंक नीचे दिया गया, कैसे सॉल्व करते हैं मैं बहुत से क्वेश्चन करा चुका हूं, आगे भी कराऊंगा, इसलिए सारे क्वेश्चन देखोगे तो आपको कहीं जरूरत नहीं अलग से किताब वगैरह देखने की या नोट्स या अलग से आपको सवाल नहीं चाहिए, यही क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट होंगे, ठीक है। लेकिन पढ़ना शुरू करो और क्वेश्चन को, हाँ, और पढ़ने का भी तरीका ये कि लिख लिख कर पढ़ो, नोट्स बनाते रहो साथ साथ, ठीक है ना। चलिए देखो, अब यहाँ पर बच्चों क्या होगा कि मान लो मैं तुमको यहाँ पर एक क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, मान लो तुमको मैं क्वेश्चन यहाँ पर देता हूँ और उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महर
मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। देखो मान लो बेटा, मेरे पास एक क्वेश्चन ये है, आई दिया गया है ना, वाई और जेड ये इन दोनों का फंक्शन है, मतलब यहां पर दो दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, वाई और जेड। मतलब y भी एक्सपर्ट, देखो कायदे में तो हमको ऐसे लिखना चाहिए, हमने शॉर्टकट लिख दिया। कायदे में देखो जो सही तरीका लिखने का होता वो ये होता, आई ब्रैकेट में y ऑफ x और z ऑफ x। मतलब y और z हमें दो डिपेंडेंट वेरिएबल लेने हैं, y भी x पर डिपेंड कर रहा है, z भी x पर डिपेंड कर रहा है। देखो अब यहां पर हमें कुछ ऐसे इंटीग्रेशन के अंदर दिया गया होगा, मान लो a टू b दिया गया है, 2yz मान लो यहां पर दिया गया है, और माइनस का 2y² दिया गया है, y डैश का स्क्वायर दिया गया है, z डैश का स्क्वायर दिया गया है, और dx दिया गया। ऐसे करके देखो बच्चों हमें यहां पर ये फंक्शनल अपना दिया गया है। अब देखो यहां पर दो दो वेरिएबल है y और z, और दोनों का ही डेरिवेटिव है, और हाँ x मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है। दो डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई और जेड, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखो यहां पर एक ही है, और यहां से ये क्लियर है कि वाई और जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखो यहां पर एक ही है। तो अब हमें करना क्या है, हर बार की तरह हमें एक्सट्रीमल चाहिए। एक्सट्रीमल का मतलब हुआ कि हमें अब यहां पर वाई भी निकालना है और यहां पर हमको जेड भी निकालना है। देखो कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन बहुत ईजी है। कंडीशन क्या कहती, सबसे पहले कंडीशन लगानी है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी वाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बराबर 0। दूसरी कंडीशन देखो यहां पर जेड के लिए लिखनी है, भाई एक बार कंडीशन लिखनी है वाई के लिए, एक बार कंडीशन हमको लिखनी है यहां पर देखो जेड के लिए, है ना, डेल जेड डैश बराबर 0। एक बार कंडीशन लिखनी है वाई के लिए और एक बार कंडीशन यहां पर हमको लिखनी है जेड के लिए। देखो एफ क्या है, एफ यहां पर हमको ये दिया गया है पूरा 2yz, ये पूरा एफ है, माइनस का 2y² प्लस का वाई डैश स्क्वायर माइनस का जेड डैश स्क्वायर। देखो सबसे पहले निकालो डेल एफ अपॉन डेल वाई चाहिए ना इसके लिए, है ना, तो रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो बाकी सब कुछ कांस्टेंट, जेड भी कांस्टेंट, जेड डैश भी कांस्टेंट, वाई डैश भी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो क्या मिलेगा, 2z मिलेगा, यहां पर माइनस का 4y मिलेगा, ये 0 ये 0, ठीक है। अच्छा अब निकालो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, वाई डैश के रिस्पेक्ट में करो तो ये 0 सब कुछ कांस्टेंट, ये भी 0, बचेगा 2y डैश। फिर निकालोगे क्या, डेल एफ अपॉन डेल जेड, जेड के रिस्पेक्ट में करो तो ये क्या बचेगा 2y, और ये भी 0, ये भी 0, सब 0। फिर निकालो डेल एफ अपॉन डेल जेड डैश, जेड डैश के रिस्पेक्ट में करो, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, माइनस का 2z डैश, है ना भाई। देखो जैसे अगर हम जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई भी कांस्टेंट, वाई डैश भी कांस्टेंट, जेड डैश भी कांस्टेंट, जेड डैश के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जेड डैश के अलावा जो भी है, वाई है, जेड है, वाई डैश है, सब कांस्टेंट, केवल जेड डैश वेरिएबल रिस्पेक्ट टू वाई डैश कर रहे हैं तो केवल वाई डैश वेरिएबल, बाकी सब कुछ कांस्टेंट, पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना, इसीलिए ये सारी वैल्यू देखो इस वाली क्वेश्चन में रखी जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये 2z माइनस 4y और माइनस का dy dx और रिस्पेक्ट टू वाई डैश करना है तो ये हो गया 2y डैश बराबर 0, ठीक। इससे निकालो डेल एफ अपॉन डेल जेड तो क्या हो गया 2y माइनस dy dx हो गया, रिस्पेक्ट टू z डैश करना है तो माइनस का 2z डैश बराबर 0 हो गया, है ना। तो हमको देखो बच्चों यहां से ये दो दो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है। देखो यहां से क्या मिलेगा, 2 हटा दो कॉमन लेके तो z माइनस 2y और माइनस का देखो ये y डैश है मतलब dy dx, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, समझो, क्योंकि y डैश का मतलब सिंगल डेरिवेटिव, और एक बार और इधर डबल हो गया, 2 हटा दिया कॉमन लेके,
यहां से देखो, यहां भी टू कॉमन लेके हटा दो तो y, और ये प्लस का और ये z डैश है, तो ये हो जाएगा डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। ऐसे देखो यहां पर ये हो जाएगा, बात समझे ना भाई। z डैश का मतलब है ना डी जेड बाई डी जेड, z डैश का मतलब डी जेड बाई डी एक्स, और एक बार और डेरिवेटिव है तो उसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमें देखो यहां पर ये दो इक्वेशंस मिल गई हैं, है ना। ये दो इक्वेशन देखो बच्चों यहां पर हमको मिल गई है। अब इन दो इक्वेशन से हमें वाई और जेड चाहिए। इन दो इक्वेशन की हेल्प से हमको क्या चाहिए, देखो वाई और जेड की वैल्यू चाहिए होगी। देखो वाई और जेड यहां पर कैसे निकालेंगे ये हमें यहां पर थोड़ा सा देखना होगा। जेड को हटाने का देखो यहां पर एक तरीका है, y और z हमको निकालने हैं, ये दो इक्वेशन अपने पास है ना। अब सब कुछ भूल जाओ, इन दो इक्वेशन से हमें y और z चाहिए। एक वेरिएबल को हटाओ, तो कैसे हटाओगे समझो। देखो यहां से z क्या हुआ, यहां से z हो गया 2y प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये z की वैल्यू इसमें रखोगे तो z का डबल डेरिवेटिव रखना होगा, तो z का एक बार सिंगल डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या होगा 2 डी वाई डी एक्स, और ये क्या बचेगा, ये ट्रिपल डेरिवेटिव हो गया। एक बार और करोगे तो डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, ये टू और ये हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये हो गया डी फोर वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4। भाई डबल डेरिवेटिव जेड का निकाल के इसमें रख दो, तो देखो ये इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई वाई प्लस, देखो ये डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो हो गया टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी फोर वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 बराबर 0। ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिली जिसमें खाली वाई और खाली एक्स है ना। इसमें क्या है बोलो, खाली वाई और खाली एक्स है, इस बात को जरा यहां पर समझो, है ना। ये क्या है, डी फोर वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4। ये वही अपना क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट है। इसमें पी आई जीरो होगा क्योंकि राइट साइड में कोई एक्स का टर्म है नहीं, केवल सी एफ निकलेगा, वही हमारा वाई होगा। तो इससे हमें सी एफ निकालना, देखो जैसे इससे हम वाई निकालेंगे और वाई की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे तो जेड आ जाएगा, क्योंकि वाई जेड दोनों चाहिए हमको। इससे वाई निकलेगा, वाई की वैल्यू इसमें रखेंगे तो जेड मिल जाएगा, तो बस वाई और जेड दोनों चीजें मिल जाएंगी। देखो अब इससे वाई निकालने के लिए ये वही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट हो गया बच्चों, इसको हमें सॉल्व करना होगा। देखो केवल सी एफ निकालना, इसको लिख लो जल्दी से बेटा, जरा फिर बताता हूं मैं आपको आगे की चीजें क्या है। आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम, नए साल का, नए साल का पहला जाम आपके नाम, आपके नाम। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर तो हालांकि बीत गया, तो कहीं ये सब गाने तुमने गाए तो नहीं थे कि नए साल का पहला जाम आपके नाम। ये सब गाने अभी नहीं गाओ बच्चों, जब कुछ बन जाना तो ये सब उल्टे सीधे गाने गाना, तो मैं गा लेता हूँ ऐसे ही मन बहलाने के लिए, है ना। नया साल तो बीत गया, नए साल पे कई लोग पागल हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं, जैसे लगता कि पहली बार हैप्पी न्यू ईयर आया हो। अरे यार तुम 20-22 साल के कम से कम हो गए, अब तक तुमने 20-22 हैप्पी न्यू ईयर और देख लिए, अभी कम से कम ऊपर वाला चाहेगा तो 100 हैप्पी न्यू ईयर और देखोगे, ठीक है ना। तो इसलिए हैप्पी न्यू ईयर पर पागल नहीं हो जाते, हैप्पी न्यू ईयर के आसपास आपने पढ़ना ही छोड़ दिया था, मैं देख रहा था सब कुछ, ऐसा नहीं है। देखो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये बन गया डी फोर वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 और प्लस टू टी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस वाई बराबर 0। देखो इसमें क्या होगा, सी एफ निकालना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कैसे निकालेंगे, देखो एम फोर प्लस टू एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, एम स्क्वायर बराबर -1, तो m की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट -1,
तो प्लस माइनस आयोटा, और यहां से भी m की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा। देखो ये वैल्यू रिपीट कर रही है, m की इमेजिनरी वैल्यू है और वो रिपीट कर रही है। मैंने बताया था कि m की इमेजिनरी वैल्यू जब रिपीट करे तो ऐसे केस में मैंने क्या बताया था, देखो आपको है ना, ये सब जाके पढ़ लो, मैंने लिखाया भी था पिछली बार भी आपको, कि अगर m की वैल्यू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा और ये रिपीट करे तो क्या होता है, देखो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है e की पावर अल्फा x और ए वन एक्स प्लस ए टू, और ये होता है cos बीटा x प्लस ए थ्री एक्स प्लस ए फोर, और ये होता है क्या बोलो sin बीटा x, ऐसे होता है। तो यहां पर देखो अल्फा जीरो है बीटा वन है, इसको इससे कंपेयर करो तो अल्फा जीरो बीटा वन, तो जब अल्फा यहाँ जीरो है और बीटा यहाँ वन है तो देखो अपना जो सी एफ होगा ये क्या होगा e की पावर जीरो मतलब वन, तो ये हो गया ए वन एक्स प्लस ए टू और कॉस बीटा एक्स का मतलब कॉस एक्स, और ए थ्री एक्स प्लस ए फोर और साइन बीटा एक्स का मतलब हो गया साइन एक्स। ये हमारा देखो सी एफ आ गया, और यही वाई है क्योंकि देखो इसमें पी आई तो जीरो होगा, y बराबर क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब सी एफ प्लस पी आई, लेकिन यहाँ पर पी आई तो जीरो है, तो जो सी एफ है यही y है, तो यही हमारा y हो गया, जो सी एफ है यही अपना y हो गया। अब देखो हमें y तो मिल गया, z चाहिए, तो ये y की वैल्यू इसमें रखनी पड़ेगी, तो y तो आ जाएगा। अब डबल डेरिवेटिव, फिर हमें इसका डबल डेरिवेटिव करके यहाँ रखना पड़ेगा, तो y तो हमको मिल गया, और y मिलने से क्या हुआ कि अब हमें z भी आसानी से मिल जाएगा। देखो इसका एक बार करो डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, इसको फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा, पहला फंक्शन ठीक है इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस दूसरा फंक्शन इनटू पहले का डिफरेंशिएशन तो a1, इसको ही फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, तो पहला फंक्शन इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन cos x और दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन a3, ये हुआ d by dx। अभी एक बार और करना है डिफरेंशिएशन तो डबल डेरिवेटिव मिलेगा, तो इतना काम तुम कर लेना, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू इसमें रखोगे और ये y की वैल्यू इसमें रखोगे तो z मिलेगा, इतना काम तो कर लोगे ना, पर खुद ना कर पाओ तो छोटे भाई को दे देना, 11th 12th में पढ़ रहा होगा, कहेगा देखो भैया ऐसे करते हैं इसको, इतना तो वो भी जानता होगा है ना। तो मतलब सिंगल डेरिवेटिव निकाला y का और इसी का डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे एक बार फिर से, और यहाँ रखेंगे किसकी वैल्यू y की और इसकी, तो यहाँ से हमको z मिल जाएगा, y मिल चुका, y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमको बच्चों यहाँ से देखो z की वैल्यू मिल जाएगी। भाई ये क्या है, ये d2y upon dx square है ना, डबल डेरिवेटिव निकालना x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से हमको z मिल जाएगा। तो बच्चों हमको z की वैल्यू भी मिल गई और हमको y की वैल्यू भी मिल गई, तो y यहां से मिला, डबल डेरिवेटिव निकाल के इसमें रखेंगे तो z मिल जाएगा, ठीक है ना। तो y और z मिल गया और यही हम चाहते थे, तो यहां पर मतलब अगर डिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा भी हैं तब भी हम सवाल को कर लेते हैं, जैसे दो डिपेंडेंट वेरिएबल थे y z, तो दो इक्वेशन लिखी, तीन होते वो यहां से बताएगा कितने डिपेंडेंट वेरिएबल हैं i ऑफ y ऑफ एंड z ऑफ, तो उतने ही क्वेश्चन लिखनी पड़ेंगे। अब जितने ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ेंगे उतना सवाल लंबा होगा है ना, तो खैर इतना लंबा नहीं आता, जनरली दो का ही आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा हम लोग ये पढ़ रहे हैं, कौन चीजों को कनेक्ट करना है, पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल एक्स वाई वाई डैश, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्स होगा वाई होगा वाई डैश होगा वाई डबल डैश ट्रिपल डैश भी हो सकते हैं, फिर हम लोगों ने आवाज जो ये पढ़ा है कि एक्स होगा वाई वन होगा वाई वन डैश होगा, ध्यान रखना सब टर्म होना जरूरी नहीं है, y2 होगा y2 डैश हो सकता है, y3 डैश भी हो सकता है। आगे चल के हम लोग और पढ़ेंगे अभी कि जिसमें x भी ज्यादा हो सकते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी ज्यादा हो सकते हैं, तो ये सब बेटा थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ता है चीजों को दिमाग में रखने के लिए, अदरवाइज चीजें ज्यादा हैं, अगर अच्छे से दिमाग में नहीं रखेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, भाई किताबें ज्यादा होती हैं तो अलमारी में कायदे से रखनी पड़ती हैं कि नहीं, वही दिमाग का हाल है, कॉन्सेप्ट अगर ज्यादा है तो उन्हें कायदे से रखेंगे सब अरेंज हो जाएंगे और जरूरत पड़ने पर वो निकल भी आएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बेटा।